हाँ जी, तो आज के वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से मैंने अपनी चीज़ का नुकसान किया और शाम तक उसका भरपाई किया। पूरे वीडियो को अच्छे से देखेगा तभी पता चलेगा कैसे बाहर निकलेंगे अपनी प्रॉब्लम से। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। हम लंच बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। इतना बड़ा हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ है तुम्हारा? ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं। ब्याह हो गया है, लाइसेंस नहीं बना है मेरा, बनवा लेंगे। आज प्रायोरिटी सबसे पहला काम हम वही करेंगे, उसके बाद हम फ्रेंड्स से मिलने जाएंगे, घूमने जाएंगे। शाम को बहुत सारे काम हैं। और अब भी एक बहुत ही भारी नुकसान हो गया है मेरा सुबह सुबह। एक्चुअली गणेश जी बनाने के लिए मैं क्ले लेकर आई थी, और वो क्ले एकदम हार्ड था, मतलब रॉक की कंसिस्टेंसी में था। और मुझे शॉपकीपर ने कहा कि उसको पानी में डिप कर लेना विद पॉलीथिन, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और भाई साहब, मैंने पानी में डिप कर दिया रात भर और वो पूरा मेल्ट हो गया। सत्यानाश कबाड़ा। एक तो जो मैंने इंदौर से क्ले लिया था उससे अलग प्राइस में है, कोई बात नहीं, बट प्राइस का कोई इशू नहीं है। बट मेरा नुकसान हो गया सुबह सुबह। मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है उसको देख देख कर। आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई। अब मैं कैसे बनाऊँगी उसका डो, कैसे फॉर्म करूँगी? डो से ही तो बनाते हैं। लेट मी शो यू। सी, मैंने फिर इसको परात में शिफ्ट किया, ये पूरा मेल्ट हो गया। अब देखो ये ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं इससे कैसे बनाऊँगी गणेश जी? मैंने ये सोचा था कि छत पे रख दूँगी थोड़ी देर, आज बारिश भी नहीं हो रही है तो इससे थोड़ा कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी, बट कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से रखा हुआ है, इट्स सो हैवी। और ना मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मैं और मिट्टी ला के उससे मिक्स करूँ तो भी मतलब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि वो मतलब उस डेले को मैं तोड़ूंगी कैसे? सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में बताओगे मैं क्या करूँ इसका। मतलब मैंने बाहर भी रख दिया बट कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ यहाँ से थोड़ा सा टाइट हुआ, लेकिन ये भी डो फॉर्म में नहीं आया। बहुत टाइम लगेगा। मैं कब बनाऊंगी गणेश जी? मेरा टाइम खराब हो जाएगा पूरा। कुछ करते हैं इसका। हाँ जी, तो दो तरीके हैं जिससे हम बारिश के मौसम में चीज़ों को सुखाते हैं। एक है आयरन और एक है ड्रायर। तो अभी हम देखते हैं कि हम क्या यूज़ करेंगे। आयरन हेल्प नहीं करेगा, ड्रायर आई थिंक येस इट कैन डू इट। उससे थोड़ा सा हीट अप हो सकता है। लेट्स ट्राई। इसको प्लग इन करते हैं। हाँ, ये वाला ठीक नहीं। हाँ, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रायर को चालू कर दिया है और मैं ड्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे बाल सूखते हैं, कपड़े सूखते हैं, उसी तरीके से शायद ये मिट्टी भी सूख जाए। आई नो, पुराना वाला फिलिप्स है, ये मेरी मम्मा की शादी के टाइम का ड्रायर है, इसीलिए इतना नॉस्टैल्जिक है। तो कंटिन्यूसली ट्राइंग टू ड्राई इट ऑफ, देखते हैं पानी ड्राई होता है या नहीं। 72 hours later, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ गाइस, द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। इतना ज़्यादा ड्राइंग करते थे, इट केम अप विथ नथिंग। सो आई एम पैकिंग अप एवरीथिंग एंड गिविंग अप ऑन एवरीथिंग। क्या कर रहे हो आप? आयुष ने सजेस्ट किया है कि इसमें फिर से क्ले लाकर उसको फोड़ कर मिक्स करो। आई डोंट नो कि उसको वो फूटेगा या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चलो करके देख लेते हैं। अभी हम लंच बनाने चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम भिंडी को धोकर पोंछ लेंगे और उसके टिप्स एंड टोस को कट करके अलग रख लेंगे। उसके बाद हम इसको स्लिट्स लगाकर कट करेंगे लंबा लंबा, इस तरीके से सारी भिंडीज को कट कर लेंगे। उसके बाद हम टमाटर, अदरक और काजू का प्योरे बनाएंगे और उसको सेपरेटली फ्राई करेंगे। एक तरफ हम भिंडी को सॉटे करेंगे थोड़ा सा ऑयल डालकर, केयरफुल केयरफुल, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर हम एक तरफ भिंडी को सॉटे करेंगे और दूसरी तरफ हमने जो पेस्ट बनाया था उसको सौते करेंगे। ये हमारी सात्विक भिंडी है, मतलब इसमें लहसुन प्याज नहीं है। और ये थोड़ी देर बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। नाइस, खाना बन गया है और हम फिर से गणेश जी बनाने वाली मिट्टी में लग गए हैं।
मैंने YouTube पर एक हैक देखा था कि अगर हम मिट्टी को कपड़े में बांध कर कुछ घंटों के लिए रख दें तो वो सही हो जाती है, उसका पानी पूरा निकल जाता है. सो आई एम डूइंग दैट नाउ. आई गॉट रेडी. लेट्स वेट फॉर द मड टू गेट प्रॉपर, मतलब एक ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए जिससे वो मोल्ड अच्छे से हो जाए. तो देखते हैं 4-5 घंटे उसको हैंग करके देखते हैं. नाउ आई गॉट रेडी टू गो समवेयर और मैंने मिट्टी को पोटली में बांध के उसको टंगा दिया. शाम तक देखते हैं उसकी क्या स्थिति होती है, फिर उसके बाद हम उसको ऐसी कंसिस्टेंसी में ले आते हैं जिससे वो मोल्ड अच्छे से हो जाए. और पासपोर्ट कह रही हूँ, लाइसेंस का मैंने पता कर लिया है, शाम को डॉक्यूमेंट्स दे के आएंगे. हाय केटी. हेलो. आफ्टर एजेस वी आर मीटिंग ना. अपन कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना. कितने सालों बाद? 1-2 दिन बाद शायद. हाँ. दूसरा दिन ही हुआ है तेरे बिना मुझे. हाँ. और किस्मत देखो मेरी, लिफ्ट लगवा ले यार तू. ठीक है, ट्यूब में दिखोगे आप. कुंडी लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती हूँ. कैसी हो? आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? सुबह गए थे. वहीं पे ही हो? कंट्रोल ऑफिस. यस. और आप अप्पे नहीं बना रहे? अभी एक चीज खिलाएंगे, बैठो. चलो. अरे हेल्दी खिलाना यार. बन रहा है चीले. हाँ नाइस, ये हेल्दी है. गुड. ये यहाँ से व्यू सही दिखता है यार तुम्हारी खिड़की से. क्लाउड्स कितने सही दिख रहे हैं. हाँ जी, तो अब मैं घर आ गई हूँ वापस एंड आई एम सो टायर्ड. अब मैं रेस्ट करूँगी. बट व्लॉग एंड करने से पहले हम जो हमने मिट्टी की पोटली बनाई थी उसको चेक कर लेते, क्योंकि उसकी पोटली को टंगे हुए 7-8 घंटे हो गए. सो लेट्स सी उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं. सुबह हमने देखा था वो एकदम मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में थी. देखते हैं उसका क्या हुआ है. ओके, तो ये टाइट होने लगा है. आई गेस ये रात तक ठीक हो जाएगा. इट विल बी इन द क्लेई फॉर्मेट वेरी सून. तो इसको फिर से वैसा ही पोटली बनाकर हम रात के लिए और छोड़ देते हैं. उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जानी चाहिए. इट वॉज सो टायरिंग डे टुडे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.